जम्मू कश्मीर में आए दिन हत्याओं का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं। गुरुवार को आतंकियों ने बड़गाम के चंडूरा में तहसील परिसर में घुसकर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी। राहुल भट्ट सरकारी कर्मचारी थे। वहीं आज बड़गाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद जम्मू में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान लोगों की आंखों में नमी के साथ आतंकियों की करतूत को लेकर गुस्सा भी साफ झलका। आतंकियों की गोली का शिकार हुए राहुल भट्ट के पिता ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे का नाम पूछकर हत्या की गई। वहीं राहुल के दोस्त और समुदाय के बाकी लोग भी इस वारदात से हैरान हैं। उनके मन में सवाल है कि अब उन्हें यहाँ रहना चाहिए या नहीं। राहुल भट्ट की हत्या के बाद परिवार में मातम का माहौल है। पत्नी और माँ बेसुध हैं। वहीं पिता को भी गहरा सदमा पहुँचा है। राहुल भट्ट की हत्या पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अनंतनाग में कश्मीरी पंडित कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्यों ने चंडूरा तहसील ऑफिस कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या पर न्याय की मांग की। बड़गाम के शेखपुरा में कश्मीरी पंडितों ने विरोध प्रदर्शन किया। आतंकी हमले को लेकर कश्मीरी पंडितों का गुस्सा भड़क चुका है, जिसके बाद जम्मू अखनूर हाईवे को जाम कर दिया गया। मैं इस वक्त यहाँ शेखपुरा बड़गाम में कश्मीरी पंडित कॉलोनी है, उसके बाहर खड़ा हूँ। वायर यहाँ पे किसी भी आदमी को रोक लिया गया है। लोगों को, कश्मीरी पंडितों को भी रोक लिया गया है। कल से जिस तरह से राहुल भट्ट को यहाँ पे मार दिया गया, उसके बाद जो टैक्स की तरह से उसको मार दिया गया, उसके बाद यहाँ पे हालात बिल्कुल ख़राब है। यहाँ पे जो कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांग है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के LG आए, इनसे मिले और यहाँ पे जो हालात है उसका जायज़ा ले, और उसके बाद इनको इनकी यही मांग है कि इनको एक तरह से सिक्योरिटी दी जाए। बड़गाम में प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। उन्हें काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज करना पड़ा। इसके बाद पूरी घटना में हालात गंभीर बने हुए हैं। तो वहीं अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे बीजेपी के नेताओं का भी घेराव किया गया। राहुल भट्ट की अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी CM कविंद्र गुप्ता को कश्मीरी पंडितों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हिंदुओं को फिर से मारा जा रहा है और ये बहुत दुखद घटना है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जो हमारे PM पैकेज के वहाँ बच्चे हैं, जो इंटीरियर बहुत दूर दराज इलाकों में काम कर रहे हैं और कोई उनको सुद तक लेने वाला नहीं है, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जल्दी से उनके बारे में सोच लिए। आज 10-15 दिन से पहले भी उस पर भी गवर्नमेंट ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। हम यही कहते हैं कि हम एक पीसफुल कम्युनिटी है, हमारे ऊपर ये मुझे बताइए हमें क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हम सीखने के हम पढ़े लिखा कौम, हम सीखने के लिए सिखाने के लिए निकले हैं। हम चलना सिखाते हैं, हम बोलना सिखाते हैं, मगर क्या बात है कि हमसे ऐसा हुआ है। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडित कई सालों से सुरक्षा की गारंटी की मांग कर रहे हैं। घाटी में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाए जाने की बढ़ती घटनाओं को लेकर लोग आक्रोशित हैं। राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत राहुल भट्ट की मौत के बाद अब उनका गुस्सा भी फूट पड़ा है। INS रिपोर्ट।